आज हम मौजूद हैं MSME के इस कार्यक्रम में जो कि विज्ञान भवन में हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजीव मिश्रा, नेशनल प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे आप आज यहाँ मौजूद हैं और कैसे इस प्रोग्राम में आप शिरकत करने आए, तो आप ज़रा बताएंगे हमारे ऑडियंस। थैंक यू ऑसिस, और जैसा आपका नाम वैसा ही काम। तो ऑसिस न्यूज़ का मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रोग्राम में आके जितना अच्छा कवरेज दिया, इतने अच्छे फैसिलिटेशन कर रहे हैं। और आज का जो प्रोग्राम है MSME से रिलेवेंट है, सभी लोग जानते हैं मिस्टर घोष हैं, उन्होंने आज ये प्रोग्राम करा हुआ है विज्ञान भवन में, दिल्ली में स्थित है। और ये जो प्रोग्राम है इसमें MSME से रिलेवेंट जो भी जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं डॉक्टर राजीव मिश्रा, नेशनल प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, FIVA हम उसे कहते हैं। हमारा जो फेडरेशन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में काम करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आज का एक नया वेंचर है, या हम कह सकते हैं आने वाला फ्यूचर है। जितना भी आप देखेंगे, जितनी भी व्हीकल्स हैं वो या तो रेट्रोफिटिंग में जा रही हैं या फिर नए व्हीकल EV में ही आ रहे हैं। सरकार भी उन्हें तवज्जो दे रही है, उनके लिए नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। तो जो फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो ये काम करती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराते हैं, कंपनियों को टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, एग्जीबिशंस कराते हैं। जहाँ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का एग्जीबिशन होगा, कोई भी सेमिनार होगा, तो हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आ जाता है, हमें बाकायदा बुलाया जाता है। आज भी यहाँ पे एज एन स्पीकर मुझे बुलाया गया है, तो हम लोग वहाँ पे डिलीवर करेंगे, क्योंकि वी आर एक्सपर्ट ऑन इट, वी आर हैविंग मोर देन 20 ईयर्स एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। एंड हमारे जो और लोग हैं उन्हें 70 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस, दे आर 92 ईयर्स ओल्ड। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जितना भी काम होगा वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। बिल्कुल सर, तो जैसे कि आपने बताया कि, और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि EV हमारा कल का फ्यूचर है, तो ये जो दो दिन का हमारा कॉन्फ्रेंस है MSME का, ये आपको कितना लगता है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, वेस्ट मैनेजमेंट पे बात हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया टॉप नंबर पे आ गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन में, तो हमें अपने रिसोर्सेज को जिस तरीके से मैनेज करना है वो एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। तो आज की और कल की जो दो दिन की जो समिट रहने वाली है, कितनी ज़्यादा इसके अंदर ये हेल्पफुल रहेगी इस विजन को ध्यान में रखते हुए? और इसमें देखिए है क्या, जब हम कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, EV की बात करते हैं, तो जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जो पुराना होगा वो कहीं ना कहीं पुराना जाएगा, नया आएगा, वो वाला हिसाब है, ठीक है। तो पुराना जाएगा कहाँ, अभी तक हमने सोचा नहीं था, तो उसके लिए हमने अलग से एक दिया कि पुराने के हम वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की इतनी अच्छी अच्छी कंपनियाँ आई हैं, जिन्होंने छोटे छोटे पाउच जो गुटखा खा के या ये अपने जो रैपर होते हैं बच्चों के चिप्स वगैरह के, वो सब उनसे अच्छे प्लाईवुड वो तैयार कर रहे हैं। और प्लास्टिक मैनेजमेंट है हमारे, जो क्या है EV में मेन जो वेस्ट रहेगा वो बैटरी का रहेगा, तो बैटरी को हम कैसे उसे रिसाइकल कर सकते हैं, उसके पार्ट्स को अलग अलग कर सकते हैं। जो यहाँ पे कई कंपनियाँ हैं जिन्होंने ये काम करा हुआ है, मुझे लगता है कि सस्टेनेबिलिटी और वेस्ट मैनेजमेंट सब मिलके ही एक काम साइकिल है। अगर हम कोई नया काम कर रहे हैं तो उसका जो पुराना है वो कहीं जाए। तो जैसे कि तो जो ये दो दिन की समिट है, ये दोनों इन साइकिल्स को मिलाने के लिए है काफ़ी हद तक, आप कहना चाहेंगे? डेफिनेटली, दो दिन की समिट इसीलिए रखी गई है कि कुछ लोग इसमें नया काम करने वाले आ रहे हैं, कुछ लोग सस्टेनेबिलिटी को डेवलप करने वाले आ रहे हैं, चलाने वाले आ रहे हैं, और बाद में जो वेस्ट मैनेजमेंट होगा उसे रिसाइकल कैसे करना है, उसका यूज कैसे करना है, उसके लिए। तो मैं चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, जय हिंद नेशनल पार्टी, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि देश में कैसे ऐसा विकास हो रहा है जो युवाओं के लिए भी है, जो आने वाले एंटरप्रेनर जितने भी हैं, जितने भी पढ़ के आए हैं, आगे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी है, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो ये जितने भी काम हो रहे हैं, इस तरह के सेमिनार्स हो रहे हैं, उनमें बुद्धिजीवी आते हैं, अपना ज्ञान, अपने अनुभव साझा करते हैं, और उनसे हमारे जो आज के युवा हैं, आज के जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो उनसे प्रेरणा लेके आगे करते हैं।
वो अपने मन से करते, तो मुझे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि आप भी ऐसे शो करते रहते हैं। आगे जनवरी में भी एक शो होने वाला है 7 जनवरी को, तो सभी ऐसे जितने भी शो होते हैं फीवा उसका सपोर्ट करती है, जय हिंद नेशनल पार्टी उसका सपोर्ट करती है, हम लोग समाज में जो भी अच्छा काम करता है उसका हमेशा प्रेज करते हैं, और आज यहाँ पे बुलाया गया, सम्मान किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद।